हेलो किसान भाइयों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी नर्सरी में। और जो है मैं आपको अपनी नर्सरी के हरे भरे पौधे दिखाता हूं। और वैसे फ़िलहाल मैं आपको वही पौधे बार बार दिखाता हूं, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूं, क्योंकि एक जगह की वीडियो एक बार ही बनाई जा सकती है, बार बार बनाते अच्छा नहीं लगता है। और जो है मजबूरन आपको यही दिखाना पड़ रहा है। ये जो है ये मियाँ जाकी का मदर प्लांट है। इसमें शायद बौर आया था, वो कट कर दिया था हमने ताकि इसमें न्यू ब्रांचें आ जाएंगी। इस बार कितने पौधे बन जाएंगे इसमें देखता हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 8 पौधे मैं इस पेड़ से बना लूँगा भाई। और जो है उसके आगे ये देखिए अंबिका, कम से कम 6-7 पौधे इससे बन जाएंगे। और जो है काफ़ी सारे इस तरह से प्लांट हमारे नर्सरी में लगे हुए हैं। और देखिए एक बार में पौधा कितना बढ़ता है। बाय द वे, बहुत से लोग कहते हैं पौधा छोटा दे दिया, पौधा अच्छा होना चाहिए, पौधा छोटा होता कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ से 1 फिट हाइट इसकी बढ़ी है मात्र 15 दिन में, मात्र 15 दिन में इतना बढ़ा है। और ये हो सकता है बारिश में 7 से 8-9 फिट का पौधा हो जाएगा। और जो इस तरह के बड़े बड़े पौधे हमारी नर्सरी में लगे हुए हैं, अगर आपका कोई पौधा छोटा है तो आप इस चीज़ से संतुष्ट रहिए, अगर कि वो ज़िंदा है तो वो ज़रूर बढ़ेगा। और सभी पौधे एक साथ नहीं बढ़ते हैं, आगे पीछे बढ़ते रहते हैं, सबका ग्रोथ करने का टाइम अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर पौधे जो ग्रोथ करते हैं वो गर्मी के मौसम में करते हैं। ये देखिए मैंने आपको अपने अरोनिका का जो है मदर प्लांट जो पहले दिखाया था, इसमें ये 3 ब्रांचें जो नई निकल रही हैं इनसे जो है ये मेरा मदर प्लांट है, इनसे मैं नए पौधे बनाऊंगा। अरोनिका वैरायटी ऐसी वैरायटी है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अरोनिका वैरायटी ऐसी वैरायटी है। और जो है बहुत सारे पौधे अपनी नर्सरी में, ये देखिए सेंसेशन का मदर प्लांट, देखिए किस तरह से हरा भरा, और काफ़ी अच्छे पौधे इस बार इसमें तैयार होंगे। और सेंसेशन का पौधे का जो पत्ता होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और सेंसेशन मैंगो जो है वो हर साल फलने वाली वैरायटी है। अंबिका मैंगो हर साल फलने वाली वैरायटी है। अंबिका मैंगो, बनाना मैंगो, टॉमी एटकिंस मैंगो, इस तरह से काफ़ी सारे मैंगो जो हैं वो सब हर साल फलने वाले हैं। और जो पीछे पुरानी वैरायटीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं है, हर साल नहीं फलते हैं। और जो है ये देखिए कुछ पेड़ों का प्रूनिंग भी किया गया है, तो अगर किसी ने अपने पेड़ का प्रूनिंग नहीं किया है तो सबसे अच्छा मौसम जो चल रहा है प्रूनिंग का, ऐसा मौसम आपको कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए ये हमने प्रूनिंग किए थे 6-7 दिन पहले, और देखिए न्यू ग्रोथ्स आना चालू हो गई हैं। तो ऐसा आप लोग अगर किसी पौधे में प्रूनिंग नहीं किया है तो प्रूनिंग इस तरह से पेड़ों की कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अब चल जाएंगे। आपको ग्राफ्टिंग देख करके कटिंग करनी है ताकि जो है आपका पौधा ग्राफ्टिंग के नीचे से कहीं ना कट जाए, जो वो किसी लायक का ना बचे। और देखिए कितने काफ़ी बड़े काफ़ी हेल्थी पौधे आप लोग नर्सरी में भी विज़िट करके ले सकते हैं। और जो है हमारी नर्सरी में आपको हमेशा जो भी पौधा मिलेगा वो 100% ओरिजिनल पौधा मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी रहेगी। इसी चीज़ को लेकर के मैं अपने मदर प्लांट्स को भी दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर दिल में कोई डर ना। और अगर आप लोग मैंगो का टेस्ट का मज़ा लेने में दिलचस्पी रखते हैं, मैंगोज़ के टेस्ट का मज़ा लेने के लिए, तो आप लोग जैसे याकूती है, गुलाब खास है, गुलाब जामुन है, हुसनारा है, इस तरह की आम की वैरायटियां ज़रूर लगाइए ताकि जो है आप लोग रंगीन मैंगो और जो है काफ़ी कलरदार मैंगो खा सकें। ये देखिए ये पौधे हमारी नर्सरी में हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो में एक चीज़ और बात बताई थी कि जो है कोई भी आता है यूट्यूब चैनल बना लेता है, पौधे बेचना शुरू कर देता है, तो ऐसे लोगों से सावधान। मलिहाबाद में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं पता है उनको, पौधा जानने के बारे में भी नहीं पता है उनको। हम लोगों का ये सिस्टम है कि इतना पुराना हो गया है, पौधा नहीं पूरा पौधा नहीं, पौधे की सिर्फ एक पत्ती देखने को मिल जाए आपको मैं वैरायटी बता दूँगा कौन सा है। जैसे ये अरुणिका है, ये यहाँ पे सेंसेशन लगा हुआ है, ये अरुणिका लगा हुआ है, वहाँ पे ऐसे काटीमान लगा हुआ है,
ये पौधे जो जितने लगे हुए हैं इस तरफ, ये मिक्स लगे हुए हैं, इसमें मैं एक एक पौधा देख के बता दूंगा। ये सनसेशन है, ये सनसेशन है, उसके आगे ये सनसेशन है, और जो है ये सनसेशन है, ये सनसेशन है, ये सनसेशन है, वो गुलाब खास है। इस तरह से पत्तियां देखकर बताना बहुत मुश्किल है। जिन पौधों को मैंने बताया है आप उन्हें किसी को दिखा लीजिए, अगर वो बता दे कि गलत बताया है तो मैं नर्सरी का काम छोड़ दूंगा। इस तरह से आपको हमारी नर्सरी में ओरिजिनल पौधे मिलेंगे। नर्सरी वाले में जो मेन चीज़ खासियत जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए पहचानने की क्षमता। अगर पहचानने की क्षमता नहीं है तो उस नर्सरी वाले के पास कुछ भी नहीं है, कोई पौधा किसी लायक का नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है बंगाल की नर्सरियों से पौधे मंगा करके सेल कर रहे हैं, आम की रंगीन वैरायटियाँ, तो उनसे सावधान रहें, उनको खुद नहीं पता है। वहाँ से टिकट पौधों में लग करके चले आते हैं, लोग पौधा सेल करने लगते हैं। तो बस मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और हमारी नर्सरी मैंगो मलिहाबाद नर्सरी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 894-54-673। आप हमारी नर्सरी पे पौधा विज़िट करके भी ले सकते हैं। पौधा अन्य वैरायटियों के, अन्य चीज़ों के पौधों का जो है ज़्यादा पौधा भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लकड़ी वाले कदम, कटहल, चीकू, आंवला, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, आड़ू, कमरक, आंवला, इस तरह के सभी पौधे उपलब्ध हैं। और मैंने पिछली वीडियो में ये पौधा दिखाया था तो किसी ने बोला कि आप मेरे से एडवांस पैसा ले लीजिए और पौधा बुक कर लीजिए, तो मैंने मना कर दिया है। बारिश तलक की देखते हैं क्या होता है। ये 7 ग्राफ्टिंग वाला है, मल्टी ग्राफ्टिंग, मैं इसको अभी सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मरने का ख़तरा है। जब पौधे में इस तरह की न्यू ग्रोथ होती है तो पौधे में मरने का ख़तरा रहता है, और जब ये मजबूत हो जाएगा, जब मैं इसे सेल करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।